पीएसपी 32 में वायरलेस कोड को कैसे अपलोड करेंगे ओटीपी के थ्रू, प्लेटफॉर्म जो होता है ओवर दी एयर होता है, ओवर दी एयर हम कोड को कैसे अपलोड करेंगे वो देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन योर आर्डिनो आईडी एंड देन इंस्टॉल दीज नेसेसरी लाइब्रेरी लाइक आर्डिनो ओटीपी डॉट इट दैट यू कैन पुट एंड सर्च लाइब्रेरी मैनेजर एंड लाइक इफ आई सर्च आर्डिनो ओटीपी देन हियर यू कैन फाइंड दिस वन हियर मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल कर लेना नेसेसरी एंड वाई फाई डॉट एच ऑल्सो यू नीड टू इंस्टॉल वाई फाई डॉट एच लाइब्रेरी दिस वन इज दी वाई फाई लाइब्रेरी विच कैन ऑलरेडी इंस्टॉल इफ यू कैन यू इंस्टॉल दी बोर्ड मैनेजर ESP32 देन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल दी वाई फाई लाइब्रेरी विद दिस। हाउ टू राइट कोड फॉर दी OTA अपडेट, सो फर्स्ट यू नीड टू इंक्लूड लाइब्रेरी एंड देन you need to write your SSID and password Wi-Fi और उसके बाद आपको Wi-Fi को begin करना है, जैसे केस में करेंगे Wi-Fi dot begin SSID and password and then हम Wi-Fi को कैसे कनेक्ट करेंगे ये फंक्शन है, इसके थ्रू दी आर दी फंक्शन फॉर कनेक्टिंग दी Wi-Fi, Wi-Fi dot begin SSID and password while connected so this status and then OTA update फंक्शन है, ये सेटअप में हमें कॉल करना है Arduino OTA dot begin एंड देन आपको Arduino OTA डॉट हैंडल ये फंक्शन लूप में कॉल करना है। ये आपको फिजिकली फर्स्ट ये कोड अपलोड करना है ESP32 में, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे ये पहले हमें ESP32 को कनेक्ट कर लेना है ESP के थ्रू, फिर अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे आप टूल में जाएंगे, ये अभी हमारा कनेक्ट है ESP के थ्रू, फर्स्ट ये कोड अपलोड करना है देन ये कोड हम अपलोड कर देंगे, टेक सम टाइम फॉर अपलोडिंग। कोड जो है अपलोड हो चुका है ESP32 में, देन अपलोडिंग। नाउ अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कोड रिसेंटली अपलोड हुआ है तो ये वाईफाई को इनेबल कर देगा, ESP32 की वाईफाई को इनेबल कर देगा। तो वो कैसे देखेंगे, उसके थ्रू हम यहाँ पे लैपटॉप में पोर्ट टूल्स में जाके आपको यहाँ पे ऊपर ही सजेस्ट में आएगा ESP32 ये डेम मॉड्यूल, या मैम ये हमने कौन सी USB के थ्रू अभी अपलोड किया था ये सिलेक्ट है, अब हम ये सिलेक्ट करेंगे ये वायरलेसली अपलोड होगा। ये देखो यहाँ पे आ गया डेम मॉड्यूल ऑन, ये जो इसकी आईपी एड्रेस है उस पर उसके थ्रू वायरलेसली अपलोड करेगा। तो हम एक सिंपली एक एलईडी ब्लिंक का कोड इस पर अपलोड करके देखेंगे वायरलेसली। तो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक का कोड लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने कमेंट आउट ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे पिन मोड को सिलेक्ट कर देंगे एंड देन हम लूप में कॉल कर देंगे डिजिटल डॉट राइट डिले, हम ग्लो करेंगे एलईडी की एंड देन अगेन डिले। अब हमें सिंपली इसको हिट करना है 1940737। ये जब हम अपलोड करेंगे हिट, ये आपको पासवर्ड आएगा फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तभी आपको ये वाला पासवर्ड ही उसमें डालना है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे आप तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो ये वाला पासवर्ड आपको वहाँ पे डाल देना है। ये मेरा अपलोड हो रहा है वायरलेसली, यहाँ पे देखिए ये वायरलेसली अपलोड हो रहा है। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली एलईडी ऑन कर देगा, ये डन अपलोडिंग हो गई, अपलोडिंग डन। और यहाँ पे हमने जो कोड लिखा हुआ था वो हमने एलईडी को लो रखा था ना, हाई नहीं किया, तो इसलिए एलईडी ब्लिंक नहीं हुई। हम यहाँ पे हाई करेंगे और देन अगेन अपलोड करेंगे तो हमारा जो है एलईडी ब्लिंक कोड अपलोड हो जाएगा, एलईडी ब्लिंक करने लगेगी। एक्चुअली अभी हमने दोनों साइड ही लो कर रखा था, ये देखिए जैसे ही अपलोड होगा एलईडी ब्लिंक करने लगेगी। अपलोडिंग इन प्रोसेस, माइनस अपलोड देन एलईडी ब्लिंक, ये देखिए
LED now is blinking. ये हमारा कोड अपलोड होते हैं नाउ LED और मेक श्योर आपको जो ESP32 है और आपका जो डिवाइस है वो एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए लोकली. ये मेरा जैसे टीप लिंक कनेक्ट है और मैंने इसमें भी जो पासवर्ड डाल रखा है वो ये SSID एंड पासवर्ड वो सेम वाईफाई से कनेक्ट है दोनों ESP32 है. अब जैसे अगर मैं कोई और कोड लिखूँ जैसे कि मुझे क्या करना है डिले ज़्यादा डाल देता हूँ ठीक है डिले कम कर देता हूँ. ये हम यहाँ पे डिले डाल देंगे 2 मिलीसेकंड का 200 मिलीसेकंड एंड अब हम ब्लिंक करेंगे यहाँ पे भी 200 मिलीसेकंड तो हमारा जो LED जो है ब्लिंक फास्ट करने लगेगा. मैंने कोड अपलोड किया ये कोड अपलोड हो रहा है ये LED ग्लो करने लगे फास्ट LED ब्लिंक करने लगे. नाउ ये था हमारा OTA अपडेट वायरलेसली कोड को अपलोड कैसे करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.